बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुबहान क्रिएटिव। काफ़ी सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें सी ड्रॉप और एफ ड्रॉप के बारे में बताएं कि ये कैसे काम करता है, तो आज उसी के रिलेटेड जो है एक वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो बेसिकली सी ड्रॉप और एफ ड्रॉप जो है वो आपके स्केलिंग के जो आप जो फार्मूलाज ऐड करते हैं उस फार्मूले के तहत, अभी मेरा ये 3 नंबर फार्मूला और यहाँ पे 520 केजी क्रश है, दूसरे पे 532 केजी है, तीसरे पे जो सैंड है 400 केजी है, चौथे पे जो सैंड है वो 320 केजी है। तो और यहाँ पे सीमेंट जो है हम दूसरे स्क्रू से चला रहे हैं 420 केजी, और एडिटिव फ्लूड जो है वो 4.30 किलो है, और पानी जो है 190 केजी है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये मसला आता है क्या असल इसमें। तो ये हमारी जो फीडिंग्स थी, अभी मैं आपको यहाँ पे एफ ड्रॉप चेक करवाता हूँ कि हमने एफ ड्रॉप कहाँ पे रखा हुआ। ये कंपोजिशनल ड्रॉप था जो मैंने आपको दिखाया, ये कंपोजिशनल ड्रॉप है। ये जो है ड्रॉप आपका आएगा क्योंकि आपकी ये फीडिंग है आपके फार्मूले के हिसाब से। अभी हम आपको एफ ड्रॉप चेक करवाएंगे कितना है। ये देखें, हमने पहले जो एग्रीगेट है उस पर 60 केजी रखा हुआ है, दूसरे एग्रीगेट पर 63 केजी है, सैंड पर 65 केजी है, और चौथा जो सैंड है उस पर 104 केजी है। इसी तरह ये जो सीमेंट है इस पर 1 केजी है, और दूसरे सीमेंट पे हमारा 6 केजी है। पानी पे हमारा 2.4 किलो है, और एडिटिव फ्लूड पे हमारा 0.56 है। तो अभी होगा क्या कि हमारी जो फीडिंग है वो 450 453 सॉरी अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी 520 प्लस 532, ये हो गया हमारा 1052। हमारी 1052 क्रश जानी है इस फार्मूले के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। तो अभी होता क्या है कि हमारी जो 1052 है उसकी जगह पे हमारी फिलिंग हो रही होगी 1100, 1052 की जगह पे 1100। तो 1100 की फीडिंग को कम करने के लिए, जितना हमारा फार्मूला है उस फीडिंग को कम करने के लिए, ये हर प्लांट की मुख्तलिफ हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे सेटिंग की हुई हो वो हर प्लांट की वही सेटिंग हो, हर प्लांट पे मुख्तलिफ सेटिंग हो सकती है। तो अभी ये 532 केजी और 520 केजी, 1052 केजी की निकालने किस तरह के, जैसे ही आप पहला लोड देंगे आपको पहले लोड पर पता चल जाएगा कि कौन सी जो है जो लोडिंग है, किस लोडिंग में मेरा माल जो है वो ज़्यादा जा रहा है। आया को AM1 पे जा रहा है, AM2 पे जा रहा है, AM3 पे जा रहा है, AM4 पे जा रहा है। तो आपको हर एक में पता चलता जाएगा कि मेरा कितना वेट जो है वो ज़्यादा जा रहा है, उस हिसाब से आपने जो है इसको एफ ड्रॉप पे सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ से एफ ड्रॉप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा 60 केजी, मतलब पहला जो AM है हमारा एग्रीगेट मटीरियल है पहला, वो 60 केजी ज़्यादा भर रहा था तो हमने उसको 60 केजी प्लस कर दिया। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, ये अभी प्लस वाले हैं कि जब आपका मटेरियल जो है वो ज़्यादा भर रहा हो, तो जब आपका मटेरियल ज़्यादा भर रहा है तो मतलब ये 60 केजी पहले पे ज़्यादा भर रहा है, 63 केजी दूसरे पे ज़्यादा भर रहा है। अभी यहाँ मतलब इतना जो है ये फ्री फॉल जो है हमने रख के इसको जब हम लोड देंगे तो ये हमारा इतना कम पड़ेगा, 63 केजी कम पड़ेगा, मतलब जो फ्री फॉल पहले ज़्यादा पड़ रहा था वो कम पे चला जाएगा, हमारा लोड जो है वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। ये बेसिकली आपका जो जितना भी आपने मटेरियल फीडिंग दिया हुआ है इसको कि मेरा इतना मटेरियल जो है वो फीड हुआ हुआ है और इतना लोड निकले इसका बैचिंग का कंक्रीट का, तो ये बेसिकली उसकी एक्यूरेसी के लिए है कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100/100 तो नहीं होती, 98 तक तो आ जाती है इस जो एफ ड्रॉप है इसकी सेटिंग से। अच्छा, अभी हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे गए तो हमारी यहाँ पे आ गई ये 65 केजी है, जो एग्रीगेट मटेरियल 3 है इस पर हमने सैंड रखी हुई है, तो ये 65 केजी है, मतलब ये 65 केजी ज़्यादा डाल रहा था तो हमने इसको 65 केजी कम किया हुआ है, 65 केजी प्लस किया हुआ कि ये हमारा 65 केजी ज़्यादा डाल रहा है। सेम इसी तरह चौथे पे गए, ये हमारा 104 केजी ज़्यादा डाल रहा था, इस पर डबल जैक खुलता है इसलिए ये ज़्यादा रखा हुआ है। तो अभी ये आ गया कि हमारी ये जब हमने इतनी इसकी एफ ड्रॉप की सेटिंग दे दी
तो ये हमारी जो है फीडिंग जो हमने इसको दी हुई है फार्मूले की, उसके हिसाब से तकरीबन एक्यूरेसी 98 पे आ जाएगी। 2% अप डाउन होता है, 2 से 5% तक जाता है अप डाउन इसका, लेकिन इस पे हम एक्यूरेसी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सीमेंट पे। तो सीमेंट हमारा ये देखें 6 kg है, मतलब ये 6 kg ज़्यादा भर रहा था। अगर हमारा यहाँ पर है तो हमारा यहाँ पर सीमेंट है 315 kg या 275 kg, तो ये 280 kg भर रहा था या 281 kg तक जा रहा था। हमने इसको 6 kg कम किया तो हमारी जो है सीमेंट फीडिंग वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। सेम इसी तरह पानी है, पानी हमारा 2.4 लीटर ज़्यादा जा रहा था, हमने उसको 2.4 लीटर पे सेट कर दिया। इसी तरह हमारा एडिटिव फ्लूड है, वो भी हमने 2.56 पे सेट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया अगर हमारा मतलब एग्रीगेट स्केल जो है वो प्लस में जा रहा हो, ज़्यादा कर रहा हो। अब दूसरी बात आ गई इस पर, अगर हमारा एग्रीगेट स्केल कम कर रहा हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर कम भर रहा हो, मतलब हमारा वेट है 1052 है, तो वो 1000 भर रहा हो, सिर्फ एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ कि वो हमारा 1000 भर रहा हो, कोई इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी कैलिब्रेशन ओके होगी, कैलिब्रेशन आपकी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन माल आपका कम भर रहा होगा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने ये जो फीडिंग है जिस पर भी आपने जाना है, ये देखें, ये अभी मैं चला गया एग्रीगेट मटेरियल पे, नीचे मेरा एफ ड्रॉप जो है उसकी लाइट ब्लिंक है, इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी मैं इसकी सेटिंग करूँगा कि मतलब ये मेरा 60 kg कम भर रहा है। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरा ये 60 kg कम भर रहा है, तो इसको मैंने 60 kg प्लस कैसे करना है कि ये 60 kg ज़्यादा भरे। हमने यहाँ से शिफ्ट जो है लेफ़्ट करते जाना है और ये हमारा आगे चलता जाएगा। यहाँ पर जब हम लास्ट पर चले गए, लास्ट वाला जो डिजिट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया, इसको हमने डिक्रीज़ करना है, ये इंक्रीज़ कर लें, इंक्रीज़ किया तो ये माइनस आ गया, ये आपका माइनस ब्लिंक करना शुरू हो गया। यहाँ पे आप जब इसको सेट कर देंगे तो आपका जो है ये 60 kg मटेरियल ज़्यादा भरेगा जब आप माइनस करेंगे, जब आप प्लस करेंगे तो 60 kg कम भरेगा, जब आप माइनस कर देंगे तो। अच्छा, प्लस की क्या निशानी है, प्लस पे कुछ भी नहीं आएगा, प्लस पे वही ज़ीरो का डिजिट आ जाएगा, ये प्लस की निशानी है। जब आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मतलब अभी हमारा पहला जो है एग्रीगेट मटेरियल जो है वो कम भर रहा था 60 kg, तो हमने इसको बताया है PLY को, जी हमारी जो कैलिब्रेशन है वो ओके है, लेकिन आप जो है वो 60 kg कम भर रहे हैं। तो ये कहता है कि मुझे फोर एफ ड्रॉप पे आके सेटिंग बताओ कि आप कितना कम भर रहे हैं, कितना मैं कम भर रहा हूँ, आप उस हिसाब से मुझे बता दो, मैं आप मुझे फीडिंग दे दो, मैं उस हिसाब से उतना ज़्यादा डाल दूँगा। और इसी तरह जब हम ज़्यादा पे जाते हैं, अभी इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ज़ीरो पे आ गया, तो फिर ये कहता है कि आप मुझे ये बता दें कि मैं ज़्यादा कितना भर रहा हूँ। हमने इसको बताया जी आप दूसरे मटेरियल जो है AM2 पे आप 63 kg ज़्यादा भर रहे हैं, तो हमने इसको 63 kg पॉजिटिव की फीलिंग दे दी, फीडिंग दे दी है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव कर दें तो ये 63 kg ज़्यादा पे जाएगा। अगर आपका मटेरियल मतलब आपकी फीडिंग है 1700 kg, तो ये भर रहा है 1600 kg। आपने यहाँ पर पहले लोड पर नोट कर लेना है कि किस जो है AM1 पे कम जा रहा है, AM2 पे कम जा रहा है, AM3 पे कम जा रहा है, AM4 पे कम जा रहा है, या ये इन चारों में से किस पे ज़्यादा जा रहा है। अगर ज़्यादा भर रहा है तो ज़्यादा किस पे जा रहा है, अगर सब पे जा रहा है या दो पे सिर्फ एग्रीगेट और सैंड पे जा रहा है पहले दो पे, तो आपने उसकी सेटिंग कर लेनी, उसको बढ़ा लेना। अगर सभी कर रहे हैं तो आपने जितना आपका मटेरियल ज़्यादा गिर रहा है आप उस हिसाब से इसको जज कर लेंगे कि मेरा इतना इतना मटेरियल अंदाजन जो है ये ज़्यादा डाल रहा है हर लोड में, हर जो है AM1 AM2 AM3 AM4 ये इतना इतना ज़्यादा डाल जाते हैं, तो आपने उस हिसाब से इतनी इतनी इसको प्लस की फीडिंग दे देनी। ये उतना जल्दी पढ़ लेगा, उसको फ्री फॉल को रोकेगा जो ये आ रहा है, तो इतनी फीडिंग जो है ये पढ़ लेगा, ये एक्यूरेसी के लिए। सेम इसी तरह ये सीमेंट पे आ गए हम, सीमेंट भी जो हमारा ज़्यादा डल रहा था, अगर कम डल रहा हो, अगर कम डल रहा हो, हमारे स्क्रू में कुछ इश्यूज हों, कुछ भी इस तरह का मसला हो, लेकिन हमारी जो आपकी कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल ठीक हो, आप उस पर बाट रख के चेक कर रहे हो 400 kg 500 kg 1000 kg 900 kg तक, आपकी कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो है सीमेंट का जो है वो कम भर रहा है, जो स्क्रू है वो कम भर रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने इसको माइनस 6 kg पे ले जाना है। सेम उसी तरह पहला जो है इसका डिजिट वो माइनस है, माइनस और पॉजिटिव है, माइनस और प्लस है, और बाकी 999 तक आप 999 kg तक आप इसको फीडिंग दे सकते हैं। यह भी मैंने इसको माइनस 6 kg कर दिया सीमेंट को। अभी मेरा अगर सीमेंट जा रहा था 370 kg, तो मेरा अभी ये भरेगा 364 kg, 364 kg से ऊपर नहीं जाएगा। सेम इसी तरह अगर मेरा मुझे चाहिए 370 kg और ये भर रहा है 364 kg, तो ये इस तरह होगा। अगर ये भर रहा है, मुझे चाहिए 364 kg, भर रहा है 370 kg, तो मैं इसको इंक्रीज़ में लेके इसको पॉजिटिव 6 kg कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे 6 kg कर दिया। सेम इसी तरह अभी हम पानी पे आते हैं, ये हमारा पानी का 2.4
केजी। तो सेम इसी तरह मेरा पानी जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अगर कम जा रहा हो, अगर कम जा रहा हो तो मैंने सेम इसी तरह शिफ्ट लेफ़्ट करना है, यहाँ से लेफ़्ट करके इंक्रीज़ में इसको माइनस कर देना। ये अगर 2.4 kg कम भर रहा है या जितना भी कम भर रहा है वो आपके प्लांट पे डिपेंडेंट है। ये हर प्लांट की मैं आपको बता रहा हूँ, हर प्लांट का मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म के लोड सेल यूज़ होते हैं। कहीं पे एस टाइप यूज़ होते हैं, कहीं पे आई टाइप यूज़ होते हैं, कहीं पे स्ट्रेंथ टाइप यूज़ होते हैं, कहीं पे उसको फोर्स दी जाती है वो तब काम करते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ यूज़ हो सकते हैं, आप इसमें अपने जो प्लांट के हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। मेरा यहाँ पे 2.4 kg कम जा रहा था तो ज़्यादा जा रहा था तो मैंने इसको 2.4 kg की सेटिंग दी हुई है कि भाई आपने 2.4 kg पहले ही बंद करवाना है इसको। सेम इसी तरह मेरा जो एडिटिव फ्लूड है ये भी ज़्यादा जा रहा था 0.56, मतलब आधा किलो से 6 ग्राम ऊपर, तो मेरा ये भी ज़्यादा जा रहा था। मैंने इसको फीडिंग दी हुई कि भाई आप इतना ज़्यादा नहीं भरोगे, इतना कम भरोगे इसमें। तो ये था एफ ड्रॉप, सी ड्रॉप। अच्छा, अब सी ड्रॉप में मैं आपको बता दूँ, अब अभी यहाँ पे ये सेटिंग है ना, अगर आप इसको चेक करेंगे जाकर इस सी ड्रॉप पे तो आपको सेम यही सेटिंग दिखाएगा। ये देखें, उस पर 104 थी एफ ड्रॉप पे, यहाँ पे भी 104 होगी। ये अभी मैं एफ ड्रॉप पे जा रहा हूँ, ये अभी मैं एफ ड्रॉप पे गया, यहाँ पे भी 104। मतलब ये सेटिंग सेम आएगी अगर आप सी ड्रॉप पे चेक करेंगे, एफ ड्रॉप पे चेक करेंगे, सेटिंग सेम आएगी। लेकिन आपका ये जो मैंने आपको बताया है फॉल्ट, ये हो सकते हैं और आप इसकी इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।